गौ सदन में गौओं के साथ हो रही बर्बरता पर हिमाचल की भाजपा सरकार असंवेदनशील है और वह केवल गाय को लेकर केवल मात्र राजनीति कर रही है और उसे गाय की स्थिति से कुछ लेना देना नहीं है। ये आरोप पहले कांग्रेस और आम आदमी भाजपा सरकार पर लगा रही थी, लेकिन अब ये आरोप विश्व हिंदू परिषद भी भाजपा पर लगाती नजर आ रही है। विश्व हिंदू परिषद ने सोलन में प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार पर गायों की अनदेखी का आरोप लगाया है और कहा है कि विश्व हिंदू परिषद ने प्रदेश सरकार को दो दिनों का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें उन्होंने मयोग में स्थित गौशाला पर जांच बिठाने की बात कही थी, लेकिन दो दिन बीत चुके हैं, अभी तक कोई भी जांच आरंभ नहीं हुई है। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि मयोग में गौ सदन के नाम पर गौओं पर अत्याचार किया जा रहा है, जिसमें वर्वता पूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, जिसकी जानकारी प्रदेश सरकार को होने के बावजूद भी जो कार्यवाही तुरंत होनी चाहिए थी वह अभी तक नहीं की गई है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि वह इस पर तुरंत जांच बिठाएं, अन्यथा दो दिनों के भीतर धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन प्रदेश सरकार ने दुर्भाग्यवश कोई संज्ञान नहीं लिया, इसलिए वह कल से प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। उन्होंने यह मांग भी की है कि जो लोग इस घृणित कार्य में दोषी हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, ताकि वह किसी भी तरह जांच को प्रभावित न कर सकें। हमने प्रशासन को दो दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हम एक बार पुनः प्रशासन से मांग करते हैं कि वहां पर साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। जो गाय के शव खुले में पड़े थे उन पर जेसीबी से मिट्टी डाली जा रही है और उनको नदी में बहाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस विषय पे कार्रवाई करें, अन्यथा हमने दो दिन का अल्टीमेटम दिया था और आज उसकी समय सीमा समाप्त हो रही है, तो हम जो है कल से पूरे प्रदेश में धरना और प्रदर्शन शुरू करेंगे। इस गौशाला में जो है बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई हैं और गवर्नमेंट ने कोई तुरंत एक्शन नहीं लिया, उसके कारण से क्या हो रहा है कि वहाँ जो है उसको रिकॉर्ड को खराब किया जा रहा है, रिकॉर्ड में भर्ती की जा रही है, रिकॉर्ड में जो है एंट्रियां की जा रही हैं और गौओं जो मरी गौओं को दबाया दबाया जा रहा है, पानी में बहाया जा रहा है। हमारी मांग सरकार से है कि तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए, अगर नहीं होता तो विश्व हिंदू परिषद जो है उसको जिले भर में और प्रदेश भर में इसके ऊपर धरने प्रदर्शन करेगी और माननीय मुख्यमंत्री या माननीय पशुपालन मंत्री से मिलेंगे। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो है जो भी वहाँ पे कमेटी जो है उसके ऊपर जो है कदम उठाए जाएं, और यदि कदम नहीं उठाए जाते तो हम जो है इसके ऊपर जो है एक्शन लेंगे। राजगढ़ में जो भी बजरंग दल का जो भी रहेगा वो हम आपको जो है या तो इसके ऊपर जो है हम रैली निकालेंगे या फिर जो है इसके ऊपर जो है पूरा प्रदर्शन किया जाएगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ, प्रशासन से भी यही उम्मीद करता हूँ, जो वहाँ पर कमेटी है उनके ऊपर जो है कदम उठाए जाएं इस विषय को लेकर, ये काफी गंभीर विषय है।